सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का दुखड़ा रोती हुई कई खबरें अक्सर समाचार पत्रों और न्यूज चैनल पर सरसराती रहती हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या उंगली पर हो लेकिन मास्टर साहबों की भरमार हो? जी हां साहब, ये कारनामा कर रही है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार। ना ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि सरकार शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर है, बल्कि साहब ये तो लक्ष्मी का खेल है। सालों बाद सत्ता में ठसे हैं तो सूख रही तिजोरियों को फिर से हरा भरा जो बनाना है तो फुल फोकस तबादला उद्योग पर। सीधा एक फंडा, माल लाओ मनचाही पोस्टिंग पाओ। अब देखिए ना, जशपुर जिले के कांसाबेल ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला गड़ेर टोली, इस शाला में पहली से लेकर पांचवी तक कक्षाएं, एडमिशन रजिस्टर के पन्ने पलटेंगे तो सिर्फ 3 बच्चों के नाम दर्ज दिखेंगे। ये बच्चे भी सिर्फ तीसरी कक्षा के हैं, बाकी कक्षाओं में तो कोई विद्यार्थी ही नहीं। इन 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए पहले से ही 2 शिक्षक तैनात थे, लेकिन अब कमाल देखिएगा कि लक्ष्मी माता की कृपा से 2 शिक्षक और यहाँ अपनी सेवा देंगे। मतलब कि सिर्फ 3 बच्चों को उफ, अब 4 शिक्षक पढ़ाएंगे। तीसरी में है 3 बच्चे हैं, चौथी में नहीं है, पांचवी पिछले साल एक थे और निकल गए तो उसमें अच्छा 2 टीचर और आने वाले हैं जो सूची में। हाँ, सूची में देखने मैं भी देखा था, सूची में 2 टीचर और आ रहे हैं। तो यहाँ बच्चे 3 हैं और टीचर 4 हो जाएंगे फिर तो कैसे करेंगे सर? मसला देख राजनीति भी गर्म है, भाजपा मुखर है। शिक्षा विभाग की तबादला नीति में 2 शिक्षक और वहाँ पदस्थ कर दिए गए हैं, तो आप कल्पना कीजिए कि सिर्फ तीसरी क्लास में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और वहाँ 2 शिक्षक पहले से हैं, 2 और शिक्षक आ गए हैं, तो वो एक ही क्लास में 4 शिक्षक किसको पढ़ाएंगे? लेकिन सरकार पर लग रहे आरोपों का जशपुर के प्रभारी मंत्री जी के पास शायद कोई जवाब ही नहीं। मैंने जिला कलेक्टरों को इस संदर्भ में निर्देशित कर दिया है कि कोई भी एकल शिक्षक नहीं रहेगा, कोई भी स्वास्थ्य सेंटर जो है वो डॉक्टर विहीन नर्स विहीन नहीं रहेगा, कहीं भी उनके बिना रिलीवर के और उन जो ट्रांसफर कर्मचारी उनको छोड़ा नहीं जाएगा, तो कहीं का भी कार्य प्रभावित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार से जवाब की आशा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि साफ है कि सत्ताधीशों का ध्यान शिक्षा पर नहीं बल्कि शिक्षा विभाग के रास्ते आने वाली ऊपरी कमाई से जो है।